ये कच्चे केले से बनी हुई आलू टिक्की है दोस्तों, कुरकुरी है कि नहीं? इसको जैन आलू टिक्की भी बोलते हैं। और मेरे चटरों कैसे हो आप? चलिए शुरू करते हैं, बच्चों को तो मज़ा आ जाएगा इससे। हम लोग सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हम लोग कच्चे केले डालेंगे। ये 3 पीस मैंने लिए हैं, इसके अंदर तो फिट नहीं होंगे, तो मैं इसकी डंठल हटा रहा हूँ और फिर कच्चे केले इस पे रख देंगे। साथ ही में इसमें पानी डालना है और ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 4 सीटी, उसके बाद लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इसको पकाना है। इससे क्या होगा, केले तो कच्चे ही रहेंगे लेकिन उसका जो छिलका है वो गल जाएगा। तो ये देखिए, कुकर की सीटी का काम पूरा हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है, लेकिन अंदर अभी केले बिल्कुल गर्म है। तो इसको निकाल कर मैं एक प्लेट में रख रहा हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। जब ठंडे हो जाते हैं तब इसमें काम करना आसान रहता है। ठंडे होने के बाद आप आसानी से इसका छिलका निकाल पाओगे। देखिए कैसे मैं अपने हाथों से इसका छिलका निकाल पा रहा हूँ। छिलका निकालने के बाद आप एक कद्दूकस ले लीजिए और एक प्लेट ले लीजिए या परात ले लीजिए और इस केले को कद्दूकस करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब ग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा जो कस है ना वो लंबा लंबा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। दोस्तों इसके लिए आप फटाफट से मत घसीएगा, धीरे धीरे घसीए और जोर लगाकर घसीए ताकि ऐसे लंबे लंबे लच्छे बन जाए। अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बाकी के 2 आलू को भी कस लेंगे, सॉरी मेरा मतलब केले को भी कस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले लग रहे हैं अपने कच्चे केले, ग्रेट हो चुके हैं। अब टेस्ट के लिए हम लोग 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और इसमें अरारोट डालना है। अरारोट की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। ये 3 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि 3 केले थे ना और ज़्यादा नहीं उबले थे, तो 3 चम्मच में काम बन जाएगा। 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए, आपके टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब हल्के हाथों से हम लोग को जो कॉर्नफ्लावर है ना उसकी कोटिंग करनी है सारे लच्छों पे। ये केले के हर लच्छे में, हर रेशे में कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हो जानी चाहिए। आपको अगर ज़्यादा चटपटा पसंद है मेरे जैसे तो 1 चम्मच इसमें चाट मसाला भी मिलाया जा सकता है। ये देखिए कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हो चुकी है। अब हम लोग इसको मिक्स कर मैश करेंगे। ज़्यादा मैश मत कीजिएगा, प्रेस कीजिए हल्का सा ताकि ये एक साथ आने लग जाए। अगर ज़रूरत लगती है तो आप इसमें कुछ बूंद पानी भी डाल सकते हो। अगर ज़्यादा गीला हो गया है तो कॉर्नफ्लावर या फिर चावल का आटा भी मिलाया जा सकता है। अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है तो हल्का सा मिक्सचर ले लेंगे और इसकी पैकिंग करेंगे, मतलब जोड़ लगाकर टिक्की की शेप देंगे। पहले गोल बना लीजिए एक बॉल जैसे, फिर इसको चपटा कर दीजिए, फिर इसको स्मूथ कर दीजिए अगर क्रैक वगैरह है तो, और फिर इसकी साइड्स को एकदम सीधा करने के लिए आप एक प्लेट में इसको ऐसे घुमा सकते हो ताकि ये एक ही शेप के, एक ही साइज़ के बने। ये टिक्की बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही बाकी के भी बना लेंगे। मिक्सचर बस ऐसा होना चाहिए कि बनाने में मुश्किल ना हो। ये देखिए दूसरी भी बन चुकी है दोस्तों। अब फटाफट से आप एक कढ़ाई गरम कर लीजिए या फिर एक तवा गरम कर लीजिए। मेरे पास ये बड़ा सारा तवा था तो मैं ये गरम कर रहा हूँ और इसमें हम लोग तेल डाल देंगे। ये मैं पहले से ही फ्राई करने वाला तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब मैंने पहले इसमें चिप्स तली थी ये वही तेल है। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी फ्राई कर सकते हैं सेम तेल में, अगर वो तेल ख़राब नहीं दिख रहा है तो, जबकि सेकेंड और थर्ड टाइम में और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। टिक्की को ज़्यादा कुरकुरी बनाने के लिए, और अगर आप ठंड की जगह में रहते हो तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वनस्पति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तेल ही गरम किया है और उसको फैला दिया है ताकि अपने तवे पे टिक्की ना चिपके। तेल जब गर्म हो जाता है तब हम लोग टिक्की को रख देंगे और इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा मत छेड़िएगा दोस्तों, इसको अपने आप से सिकने दीजिए 3 से 4 मिनट तक, या फिर जब तक ये नीचे से पूरी ब्राउन ना हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाती है फिर पलटेंगे ना। ये देखिए दोस्तों ब्राउन हो चुकी है, मेरे को इतनी ही ब्राउन करनी है तो ये बिल्कुल रेडी है। अब पलट कर फिर से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
वैसे तो ये कोई नाजुक नहीं है, मतलब आप इसको बारी बार पलटोगे तो ये टूटेगी नहीं, लेकिन ज़्यादा क्यों पलटना यार जब एक ही बार में काम हो जाए तो। पूरी 6 मिनट के आसपास मैंने इसको फ्राई कर लिया है दोस्तों, और दूसरी तरफ से भी कितना बढ़िया कलर आया है देखिए, लग रही है कि ये बिना आलू के बनी हो। टेस्ट में भी 90% सेम टेस्ट आता है, तो फटाफट से इसको सर्व करते हैं। पहले आवाज़ सुनिए, अरे वाह कितनी कुरकुरी आलू टिक्की बनी है, मतलब एक तरीके से ये जैन वाली आलू टिक्की हो गई ना, मैंने एक शादी में खाई थी, आप भी बनाइएगा बहुत मज़ा आएगा। इसको मैं एक बार के लिए साइड में रखता हूँ, सेकंड बैच रख देता हूँ फ्राई करने के लिए। सर्व करते समय एक चुटकी चाट मसाला ऊपर से, और साथ में अगर खजूर इमली की चटनी हो जाए तो मज़ा आ जाता है। आप चाहो तो इसकी पूरी चाट भी बना सकते हो, सबको अच्छा लगेगा। एक बार तो मैंने आपको इसकी आवाज़ सुनाई दी थी, ये मैं दूसरी बार सुना रहा हूँ दोस्तों। कुरकुरी बनी है ना, आपको मैं ये खोल कर भी दिखाता हूँ। अरे वाह कितनी फ्लफी है अंदर से भी। तो कैसी लगी दोस्तों जैन आलू टिक्की की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन। ध्यान रखिए खुद का और आसपास सभी का भी। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।